इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों अभी आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं आपको इनका नाम बता दूं, इनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। सदन में दोस्तों राम मंदिर को लेकर के अपनी सरकार की तारीफों के ये पुल बांधने के लिए लगे हुए थे कि हमने राम मंदिर बना दिया, इतने लोगों ने इसके लिए इतना परिश्रम किया, इतने सालों से राम मंदिर के लिए परिश्रम होता रहा, हमने आखिरकार राम मंदिर को बनवा दिया। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसमें बुरी बात क्या है। बुरी बात दोस्तों ये है कि इन्होंने जो राम मंदिर के बारे में बखान किया, जो भी इन्होंने तारीफों के पुल बांधे, वो इनके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने पिता पुत्र को लेकर के बात बोली, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप ध्यान से सुने और समझे तब आपको पता लगेगा कि आखिर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कैसे टारगेट किया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में। लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहाँ पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में एक 3 दिन की चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। 19, 20 और 21 मार्च को ये चंगाई सभा होने वाली है चंडीगढ़ में, शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रॉफिट बविंदर सिंह के स्पिरिचुअल फादर बिशप विजय इमानुअल इस चंगाई सभा को लेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। आप कहीं से भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं इस 3 दिन की चंगाई सभा में 19, 20 और 21 मार्च को शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। अगर आप हमारी वीडियो को दूर से देख रहे हैं और आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रुकने का और खाने का प्रबंध कर दिया गया है। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है, सेक्टर 29D देश सेवक भवन चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने सुधांशु त्रिवेदी की इस बात को सुन लिया। इनका ऐसा कहना है कि हनुमान के मंदिर आपको इंडिया में देखने के लिए बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो राम का बेटा है उसका कोई भी मंदिर आपको देखने के लिए पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। और राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, लेकिन पिता पुत्र की परंपरा कोई परंपरा नहीं है। अब दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा था कि कैसे इन्होंने बड़ी चालाकी से क्रिश्चियनिटी को बीच में टारगेट किया। वो यही है, आप जानते हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। मानते क्या है? यही बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन जब हम उसको आत्मिक रीति से सही से समझते हैं बाइबल को पढ़ करके, तब हमें पता लगता है कि जो यीशु मसीह है वही परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह ही है, मतलब ये त्रिएक परमेश्वर है। अगर दोस्तों मैं आपकी तस्वीर को लेकर के और उसकी मैं 2 फोटोकॉपी निकाल दूं, और अगर पहले से ही आपका नाम सूरज है और जो 2 फोटोकॉपी हमने निकाली है उसका नाम रवि और दीपक रख दें, तो क्या वो जो फोटोकॉपी है वो अलग हो जाएगी? क्या जो फोटोकॉपी के अंदर आपकी जो फोटो है, जो तस्वीर है, आपसे अलग हो जाएगी? वो आप ही की रहेगी, आप ही वही फोटो में है, आप ही उस फोटोकॉपी में दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी ही फोटो की 2 फोटोकॉपी करवाई थी, बस नाम उनके अलग अलग रख दिए, लेकिन सोर्स तो आप ही हैं। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह परमेश्वर है और वो परमेश्वर की दूसरी फॉर्म है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की दूसरी फॉर्म है, लेकिन ये त्रिएक परमेश्वर है। इसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे बाइबल से तो आपको एक बात पता लगेगी, पुराने नियम में जो सेवकाई थी वो पिता परमेश्वर की सेवकाई थी, नए नियम में जो सेवकाई थी वो यीशु मसीह की सेवकाई थी, और अभी के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर की सेवकाई है। तो इसी बात को लेकर के दोस्तों जो ये व्यक्ति है क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहा है कि हम पिता पुत्र की जो परंपरा है उसको नहीं मानते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम भी पेड़ पौधों की परंपरा को नहीं मानते हैं, हम भी जानवरों की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपासना करने में विश्वास रखते हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको अगर हमारी चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारे चैनल की वीडियोस आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करती हैं, नई चीजें आपको दिखाती हैं और आप बहुत सारी बातों को सीखते हैं, तो जरूर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थैंक्स का ऑप्शन है, इससे हमें आप कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं जो कि हमारे लिए
बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात होगी। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दें।